हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अलीदर है। इंतज़ार हुआ ख़त्म और जो है ना लास्ट में हमने जीत कंप्लीट कर ली थी। अब जो है मूवी मिली है मैंने प्यार किया, ये मतलब सल्लू भाई की मूवी है, पोस्टर में वो है तो टाइटल ऐसा है मैंने प्यार किया। मैंने जब वो आपके कमेंट्स देखे थे और जब मैंने भी पोस्टर देखा मैं भी समझा जी कैसा टाइटल है मैंने प्यार किया। अब देखते हैं कि इसको यार इसमें क्या होता है। फर्स्ट पार्ट है तो प्ले करें। चल रही है नहीं रही है।
फिट लग रहे यार एकदम। सुमन बिटिया रहीम चाचा जीती रहो मुबारक हो ले मिठाई खा। अरे इंटर के एग्जाम में तू अव्वल आई है शाबाश। अच्छा ये बता तेरा बाबा कहाँ है? करण भाई तुम्हें क्या हुआ आज फिर मार पड़ी क्या? रहीम चाचा क्लास में देर से आएंगे तो मार तो मिलेगी। ए सुमन तू अपने आप को ज्यादा टॉप मत समझा, जरा सा पढ़ लिख क्या गई? 87% इंटर। अरे ये इंटर फिल्टर हमें भी आता है, CAT कैट कैट माने बिल्ली। बोल राइट या रॉन्ग? बोल बोल राइट। चल अब तू हाथ पढ़ा। अब तेरी पारी। ये लड्डू सुमन कहाँ भाग? करण भैया करण आप लड्डू बोल। पापा इसमें लगी है। क्या कहाँ लगी है? तेरी तो संभल के। वाकई बड़ा ही अजीबो गरीब प्यार है तुम बाप बेटी में। रहीम साहब इसी के सहारे तो जिंदा, वरना इस उम्र में ये उछलना कूदना कहाँ शोभा देता है। बस यूं ही उछलते कूदते रहो यही दुआ है। करण भाई तुम्हारी दुबई में नौकरी पक्की हो गई है। अच्छा 6 महीने का काम और बढ़िया दाम। ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट और बाकी सब जरूरी कागजात। हाँ करण भाई वो सुमन बिटिया के बारे में क्या सोचा है? सोचता हूँ सुमन को शहर में अपने दोस्त किशन के यहाँ छोड़ दूँ। बहुत चिंता है ना मेरी, इसलिए छोड़ के जा रहे हो। तेरी ही तो चिंता है पगली। पैसा कमाना है, घर को सजाना है, तुझे पिता जो करना है। तुम बहुत याद आओगे बाबा, बहुत याद आओगे। मैं यहीं रहूंगी, यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। वहां शहर में किसी को भी तो जानती नहीं मैं। ए तो इस बात की चिंता है तुझे? हाँ अरे किशन देख तो जरा ये क्या कह रही है। अरे पगली पलकों पे बिठा के रखेंगे तुझे किशन और भाभी। उस घर से मेरा रिश्ता ही ऐसा है। कितने साल हो गए हैं किशन से मिले, कभी कभी तो उसे गले से लगाने की ऐसी हूक उठती है। सच बेटी मेरा मन कभी तेरी ओर दौड़ता है तो कभी इसकी ओर, इसकी दोस्ती की ओर, जिसकी नींव मुझे भी नहीं पता कब पड़ी क्यों पड़ी। मुझसे कभी पढ़ाई नहीं मगर वो हमेशा किताबों में उलझा रहता, सपने देखता रहता, शहर जाने का, तरक्की का, अमीरी का, मगर जेब खाली रहती। मुझसे पैसे लेते हुए शर्माता था पागल। बस वो हंसता था मैं खुश होता था। एक बार वो अपनी पढ़ाई की किताबें बेचकर मुझे मेरे पैसे लौटाने आया। मैंने खींच कर उसे एक चांटा मारा। मेरी दोस्ती को एहसान समझा उसने। उसकी किताबें वापस लाकर मुझे चैन मिला। मुझे याद है वो दिन जब उसकी शादी हुई। एक नई दुनिया में कदम रखा उसने। कितनी प्यारी भाभी मिली मुझे, हमेशा मुस्कुराती रहती। मगर मैं जानता था कि वे उदास थी। सालों तक अपनी गोद में एक नन्हे से फूल को खिलाने के लिए मैं उन्हें मंदिर लाया। हमने वहां मन्नतें मांगी, व्रत रखे,
कई दिनों तक। फिर राम जी ने उन्हें अपना वरदान दिया, वरदान भी ऐसा जिसने दिलों की कलियां खिला दी। बेटे के साथ किस्मत चमकी, किशन को शहर जाने का मौका मिला। वहां उसने अपना कारोबार शुरू किया, बड़ा आदमी बना और तेलुगु एक बार फिर आए जब तेरी मां चल बसी। एक हफ्ते तक भाभी ने तेरी देखभाल की एक मां की तरह। ट्रेन में बैठते समय तुझे सीने से लगाकर बहुत रोई थी भाभी। ट्रेन चली, एक आए तू। कुछ सालों तक उसके खत आते रहे और फिर वो काम में और मसरूफ होता चला गया। मुझे यूं ही याद आता चला गया। ए सुमन, क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा, हम कल सुबह शहर जाएंगे। वाह यार, फर्स्ट पार्ट तो मूवी का बहुत ही कमाल का था यार। इसमें जो इंट्रो जो हुआ पहले तो म्यूज़िक वाला, पर दो लोग पता नहीं कौन थे, वो तो अंधेरे में थे, बट म्यूज़िक बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह ये शुरुआत हुई है, जो हमारे जो समधी जी हैं माशाल्लाह भाई बड़े फिट लग रहे हैं, और बालों में भी उनका लुक देखा एकदम यंग लग रहे हैं, और अपने कुछ बातें बता रहे थे, कुछ याद कर रहे थे अपने भाभी जी को, वो भी समधन जी ही थी, वो भी एकदम वही स्लिम लग रही है, ब्यूटीफुल लग रही थी। क्या हमने पहले देखा तो ये बड़े अच्छे बंदे यार, इनको देखते ना तो हमारा दिल खुश हो जाता है, इनकी मूवी बड़ी अच्छी होती है। समधी जी तो मेरा कमाल का फेवरेट बंदा है भाई, जब भी आता है ना तो यार दिल खुश कर देता है, मज़ा आ गया। ये पहला पार्ट देखा खुशी वाला ना, तो मैं खुश हो गया भाई। वो अंधेरे में नाच रहे थे वो कौन थे भाई, अंधेरे वाले पता नहीं कौन थे, बाकी डांस बड़ी अच्छी कर रहे थे, मज़ा आ गया देखकर उनको। बाकी भाई यहाँ पर हमने समधन जी को भी देखा भाई, खास करे वो जो राम प्रसाद जी भी, और मज़ा आ रहा है देखकर। इन पुराने को देखते ना एक्टरों को दिल खुश हो जाता है, बाग बाहर हो जाता है भाई। ये तो पता है भाई, भाई राम प्रसाद गोलू भाई ऐसी मजा आ रहा है देखकर भाई, एक बार मजा आ रहा है। चलो भाई मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छा लगा, अगर आपको भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।